इसीलिए वायुसेना के अधिकारियों ने प्रिकॉशन लेते हुए सुखोई 30 को टचडाउन नहीं करने का निर्देश दिया। यही कारण था कि सुखोई 30 फाइटर प्लेन एक्सप्रेसवे के पास तो आया, लेकिन उसकी सतह को छुए बिना ऊपर से ही निकल गया और इस तरह एक फाइटर प्लेन आज एक्सप्रेसवे पर लैंड नहीं कर सका। हालांकि कुछ देर बाद दूसरे सुखोई 30 फाइटर प्लेन ने यहाँ पर टचडाउन किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिक्योरिटी लैब्स का उदाहरण नहीं है? क्या डिफेंस से जुड़े कार्यक्रम में इस तरह की घटना सुरक्षा इंतजामों में चूक का नमूना नहीं है? विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेटवर्क।